Hello friends, welcome back. This is Sunil Verma. Thanks for staying my channel and thanks 11 support. So friends, जैसा कि आपने thumbnail में देख लिया होगा, अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। तो यहाँ पे YouTube ने एक नोटिफिकेशन दिया है सभी क्रिएटर्स को उनके चैनल के ऊपर। तो मेरे पास दो चैनल है और मेरे दोनों चैनल से मुझे वो नोटिफिकेशन मिल चुका है। क्या है वो नोटिफिकेशन, यह ऊपर आप डिस्प्ले पे दे सकते हैं। अब इसके अंदर YouTube ने क्या लिखा है, तो YouTube ने इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि अगर आप YouTube पे कोई वीडियो बनाते हैं उसके अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप बता दें भैया ये खाना चाहिए इससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, या फिर ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए, या फिर आप लोगों को डरा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, YouTube का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो भी उस वीडियो को रिमूव कर सकता है, या फिर उनके जो ह्यूमन है आप जैसे लोग हैं हमारे जैसे लोग हैं वो भी उस वीडियो को आइडेंटिफाई करके उस वीडियो को हटा सकते हैं। तो यही है कुछ नोटिफिकेशन जिसमें YouTube ने कहा है कि अगर आपके वीडियो में ऐसा भी कुछ है तो वो उस वीडियो को वहाँ से हटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात करेंगे कि भैया अगर आपके वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट है तो आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा या नहीं, क्योंकि यह YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का ही मामला है, जैसा कि इसके ऊपर साफ लिखा है YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं जो कि नीचे लिखी हुई है भैया लर्न मोर, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं भैया लर्न मोर में क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे YouTube ने कहा है कि भैया YouTube अकेला नहीं है, YouTube के साथ में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों की टीम है जो कि YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उनका समर्थन करती है, उनकी सुरक्षा करती है, यानी कि वो जो टीम है अगर ऐसी कोई चीज़ उन्हें दिखाई देती है तो YouTube उनसे सवाल पूछता है और उनका जवाब उसे मांगता है। उसके बाद उन लोगों को लगता है कि भैया कि किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी रिपोर्ट करता है YouTube को, और YouTube उनके ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा उस वीडियो को चेक करता है। तो वो जो लोग हैं वो जो नोटिफिकेशन है उस वीडियो के ऊपर भेजते हैं YouTube को। अब YouTube के पास दो सिस्टम है, एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम, तो उससे उस चीज़ को वो देख लेते हैं, और अगर उससे नहीं भी हो पाता है तो उनके जो ह्यूमन है आप मेरे जैसे लोग, तो वो भी उस चीज़ को देखते हैं और उनमें ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस चीज़ को वहाँ से वो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपकी वीडियो में ऐसा कुछ है तो YouTube उस वीडियो को कभी भी हटा सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर YouTube ने यह भी कहा है कि भैया अगर आप किसी भी YouTube की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, जो कि इन्होंने आज दी है 16 तारीख है, आज 16 तारीख को इन्होंने न्यू गाइडलाइन दी है कोरोना वायरस के लिए, आप सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। साथ ही दोस्तों YouTube ने यह भी कहा है कि अगर आप वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं या फिर अगर लाइव स्ट्रीम के हिसाब से उस सामग्री को आप अपलोड कर रहे हैं YouTube पे, तो वो भी कभी भी हटाई जा सकती है। और साथ ही दोस्तों YouTube ने यह भी कहा है कि जब आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं कोरोना वायरस रिलेटेड तो उसके ऊपर जो आपका येलो डॉलर का निशान आता है तो वो हमेशा येलो डॉलर का ही रहेगा, वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा और ना ही कोई अपडेट उसके अंदर आएगा। और साथ ही दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर YouTube ने कही है, YouTube उन वीडियो को ज़रूर हटाएगा जहाँ पे लोगों ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर, यानी कुछ चीज़ें बताइए कि भैया इससे आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है, हानिकारक है, उसके अंदर आप क्लेम करते हैं कि भैया ये चीज़ खा लीजिए आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो उन वीडियो को YouTube ज़रूर हटाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे YouTube ने यह भी लिखा है कि जो कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, तो यहाँ पे YouTube अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन को कभी भी चेंज कर सकता है, बदल सकता है। और सबसे एंड में YouTube ने यह कहा है कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया है इससे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो स्टेप उठाना था वो बहुत ज़रूरी था YouTube के लिए। सो दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, अगर आप अपने YouTube चैनल के ऊपर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई वीडियो डालते हैं और वो वीडियो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करती है तो क्या आपके चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी या नहीं। दोस्तों यहाँ पर YouTube ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, यहाँ पर YouTube ने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपके वीडियो में ऐसा कंटेंट होता है तो आपके उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा YouTube की तरफ से। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लगाकर ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।